उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र का पहला दिन बिल्कुल वैसा ही रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पहले दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी विधायकों ने सरकार को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 18वीं विधानसभा के पहले बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायक भगवा रंग की टोपियां पहनकर सदन में पहुंचे तो हमेशा की तरह सपा विधायक लाल रंग की टोपी पहने नजर आए। पहले दिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके तुरंत बाद सपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल ने जैसे ही अपना अभिभाषण शुरू किया सपा विधायक तख्तियां लेकर बेल में पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। सपा विधायकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ खूब नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। राज्यपाल ने करीब 55 मिनट तक अभिभाषण दिया और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। सपा विधायकों के साथ पार्टी मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी साथ थे। विपक्ष ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। सपा विधायकों के भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।